तो हमारी लड्डू रेसिपी देखने के लिए फ्रेंड्स आप लोग वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। और बहुत ही अच्छा ये आप दिवाली में बहुत ही कम सामानों में ये रेसिपी बना सकती हैं। आप लड्डू घर पर तैयार कर सकती हैं बिल्कुल हलवाई स्टाइल। ये हमारी लड्डू बनी है, आप लोग देख सकती हैं। आप सभी फ्रेंड्स सभी यूट्यूबर्स को मेरे तरफ से हैप्पी दिवाली। आप हेलो, मैं प्रतीक्षा आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल डिब्बो की रसोई में। तो आज मैं फ्रेंड्स आप सभी लोगों के लिए फिर से कुछ नई रेसिपी लेकर आई हूँ। तो आइए रेसिपी चालू करते हैं फटाफट। हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आप लोगों के साथ कुछ फिर से नई रेसिपी लेकर हाजिर हूँ। तो देखिए यहाँ पे आज हम एक कप बेसन से यानी एक कटोरी बेसन आप किसी भी चीज़ से ले सकती हैं नाप कर। तो यहाँ पे मैंने एक कटोरी बेसन लिया है। इस बेसन का आज हम आपके साथ बेसन की रेसिपी करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे आप वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो सबसे पहले हमें एक बाउल ले लेना है। आप कोई भी बर्तन ले लीजिए, बड़ा सा बर्तन, और उसमें इस बेसन को हम डाल देते हैं। बेसन को मैंने डाल दिया है। अब इसमें जो है हम पानी डालकर इसका घोल तैयार करेंगे। तो घोल हमें एक बार में हम पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और बेसन को जो है मिलाते जाएंगे। आपको दिखाएंगे कैसा बिल्कुल बनाना है घोल। बहुत ज़्यादा पतला भी ना हो और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करना है हमें। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए घोल को जो है हमने तैयार कर लिया है बेसन का। तो आप देख सकती हैं ना, तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा है और ना ही जो है बिल्कुल पतला होना चाहिए इसके लिए। तो हम आपको एक बार चेक करके भी दिखा देते हैं कि कैसे आपको पता लगेगा। तो ये देखिए यहाँ पे बेसन का घोल हमने लिया हुआ है फ्रेंड्स। और जब ये आप इसमें चम्मच पे करेंगे और ऐसे जब ऐसे आप लकीरें खींचेंगे तो आराम से ये लकीरें खींच जा रहे हैं। देखिए ऐसे लकीरें खींचने पर आराम से, तो ये बिल्कुल सही है, परफेक्ट है, बिल्कुल इतना ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा गाढ़ा नहीं रहना चाहिए। तो आइए अब बनाना चालू करते हैं। तो यहाँ पे घी हमने रख दिया है गर्म होने के लिए। घी हमारा गर्म हो चुका है। तो अब हम जो है बनाते हैं, हम बनाएंगे बूंदी वाले लड्डू। तो देखिए उसके लिए मैंने ये ले लिया है कद्दूकस। आप चाहे तो इसके लिए इस पलटे पे भी जो ये आता है इस पे भी आप कर सकती हैं। तो हम यहाँ पे लिए हुए हैं कद्दूकस पे ही करेंगे, आपको दिखाते हैं। तो देखिए इसे हमें ले लेना है और कुछ भी नहीं करना है, बहुत आसान और बहुत ही अच्छा हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हम इसे रख लेंगे बराबर, और जो ये बेसन का घोल है इसे हम थोड़ा थोड़ा गिराकर, एक बार में नहीं गिराएंगे, थोड़ा थोड़ा गिराते जाएंगे और इसे हम ऐसे हल्का हल्का बस टैप करते जाएंगे धीरे धीरे, बस ऐसे। ये देखिए एक बार में थोड़ा सा ही करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं करना है हमें। ये देखिए तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो है बूंदी जो है कितना बढ़िया ये हो गया है। तो इसे आप चिपकने का बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए कि ये चिपक गया है, ये ठंडा होने पर भी अलग हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने निकाल लिया है फ्रेंड्स। अब जो है दूसरा भी हम सेकेंड टर्न भी ऐसे ही तल लेंगे। तो यहाँ पे हम इसे रखेंगे और बेसन को बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करना है फ्रेंड्स, बस इसे हम गिराते जाएंगे और ये अपने आप देखिए कितना बढ़िया से जो है तैयार हो रहा है। बस हल्का सा इस पे टैप कर दीजिए, ये ऐसे घुमा दीजिए एक बार। तो ये देखिए फ्रेंड्स इसे हमने सारे ये बूंदी जो है तल के तैयार कर लिए हैं बिल्कुल। देखिए बढ़िया, इसे ठंडा होने देते हैं 5 मिनट के लिए, फिर तब तक आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने जो है कढ़ाई रख दिया है। अब जिस कटोरी से मैंने बेसन लिया था उसी कटोरी से एक कटोरी यहाँ पे चीनी ले लेते हैं।
और चीनी को डाल देंगे और आधा कटोरी हम पानी डाल देंगे। इसी कटोरी से आधा कप हम पानी भी डाल देते हैं। तो हम शीरा तैयार कर लेते हैं बनाकर। तो चीनी को हम लगातार चलाते रहेंगे, नहीं तो नीचे से जो है चीनी पकड़ लेता है और शीरा अच्छा बनेगा नहीं। तो इसे हम बना लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, एक तार का बनाएंगे। अभी आपको हम दिखाते रहेंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने ये फूड कलर रेड कलर लिया है, इसे भी शीरे में डाल देते हैं और इसे पकाते रहेंगे। तो जब तक हमारा शीरा पक रहा है हम आगे की भी तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमें ले लेना है मिक्सी का जार और इसमें जो है हम जो ये बना के रखे हैं बूंदी, इसे हम डालकर, एक बार में नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा करके हमें इसे बिल्कुल दरदरा पीस लेना है। बहुत ज़्यादा नहीं, इसे बारीक नहीं करना है, बिल्कुल दरदरा ये रहेगा। हम आपको दिखाएंगे अभी करके। तो ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने दरदरा इसे तैयार कर लिया है। तो सारे ऐसे ही पीस के हम तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स सारे तैयार कर लिए बुनी, ये बूंदी जो है पीस के मैंने रेडी कर लिया है। बिल्कुल दरदरा आप लोग भी बनाइएगा। और ये मैंने जो है देखिए शीरा भी बिल्कुल तैयार है। तो आपको दिखाते हैं चेक करके। यहाँ पे जो है बस एक तार का होना चाहिए, देखिए हल्का हल्का जब हम हाथों से करेंगे तो ये तार ऐसे चिपकने लगे, तो समझ लीजिए कि शीरा हमारा तैयार है। तो यहाँ पे गैस का फ्लेम बिल्कुल जो है हमें लो कर लेना है और इसे हम थोड़ा थोड़ा डालकर, पहले थोड़ा सा डालेंगे फिर मिला लेते हैं, एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके दो तीन बार में डालेंगे ताकि अच्छे से ये मिल जाएगा। ये देखिए बाकी अब डाल देते हैं एक बार में और इसे अच्छे से बिल्कुल मिला लेते हैं। तो कढ़ाई को फ्रेंड्स मैंने नीचे कर लिया है क्योंकि अभी ये गर्म है, देखिए अभी ये गर्म है। तो इसे हम चलाते रहेंगे, थोड़ी थोड़ी देर के बाद ठंडा कर लेंगे, अभी बहुत ज़्यादा गर्म है। यहाँ पे मैंने ले लिया है पिस्ता। तो इसमें हम लड्डू में पिस्ता डाल रहे हैं। आप इसके जगह पे फ्रेंड्स वो जो आता है खरबूज के बीज उसको भी डाल सकती हैं। हम थोड़ा सा हटकर बना रहे हैं, पिस्ता डाल रहे हैं। इस दिवाली में कुछ खास होना चाहिए भाई। तो देखिए बहुत आसान और बहुत कम रेसिपी में ये आपका लड्डू जो है तैयार होने वाला है और बहुत जल्दी बनने वाला है फ्रेंड्स। तो आप लोग अगर मेरी वीडियो पे अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को इसी समय सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो को आप लोग देख सके। और हाँ, कमेंट करके हमें ज़रूर बताया करें फ्रेंड्स कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी, और लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूला करिए। तो देखिए अभी भी ये थोड़ा गर्म है लेकिन इसे गर्म गर्म ही लड्डू बनाएंगे, नहीं तो ठंडा होने पे नहीं बन पाएगा। तो लड्डू बनाते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हाथों पे अपने पानी लगा लेंगे हथेलियों पर। इससे जो है बिल्कुल हलवाइयों वाला आपको हम ये बता रहे हैं फ्रेंड्स। तो अब हमें थोड़ा सा ये लेना है, आप लड्डू जितना बड़ा साइज करना चाहती हैं हम आपको बनाकर दिखाते हैं। थोड़ा सा ये गर्म रहे तभी बनाइएगा, ठंडा ज़्यादा हो जाएगा तो नहीं बन पाएगा लड्डू। तो ये देखिए मैंने इतना बड़ा बड़ा साइज लड्डू का बना लिया, ये देखिए। तो इस पे रख देते हैं, इसी तरह से एक बार हाथों में फिर पानी लगाएंगे और इसे लड्डू को बना लेंगे। तो ये देखिए बहुत आसान है फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया है। सारे लड्डू हम ऐसे ही फटाफट तैयार कर लेंगे बनाकर। तो देखिए फिर एक कप बेसन से आप इतना लड्डू बना सकती हैं इस दिवाली, बिल्कुल टेस्टी टेस्टी लड्डू, और बहुत ही कम समय में आप ये लड्डू तैयार कर सकती हैं। तो देखिए कितना बढ़िया लग रहा है देखने में, बिल्कुल लग रहा है। हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स कि आप लोगों को मेरी ये लड्डू कैसी लगी, बूंदी लड्डू। लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। आप सभी मेरे यूट्यूबर्स भाई बहन को हैप्पी दिवाली।
फ्रेंड्स, आप सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए होंगे या अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आप लोगों को मेरी रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो अपना प्यारा प्यारा कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।